बच्चे अपनी माँ की इज्जत भले ही ना करें, लेकिन एक माँ अपने बच्चे और अपनी संतान की हर सुख की परवाह करती है। एक माँ अधूरी है माँ बने बिना, एक माँ अधूरी है अपनी संतान के बिना, हर एक महिला अधूरी है माँ बने बिना। जी हाँ, एक माँ एक जीता जागता भगवान का रूप, जिनकी कीमत, जिनकी अहमियत शब्द और उन्हें ताउम्र जिंदगी भर प्यार देकर भी नहीं लगाई जा सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के स्पेशल शो मदर्स डे स्पेशल पर। दोस्तों, मैं आप सभी की दोस्त आज आप सभी के बीच बात करने वाली हूँ इस दुनिया की सबसे अनोखी सच्चाई माँ के बारे में। जी हाँ, माँ एक ममता की मूरत, माँ एक देवी की मूरत, एक जीता जागता भगवान का रूप, जिन्हें कहा जाता है वो हमारी माँ है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी माँ, हम सबकी माँ एक ही जैसी हैं। जिनका चेहरा भले ही अलग है, लेकिन उनका दिल, हर माँ का दिल अपने संतान के लिए बिल्कुल बराबर ही धड़कता है। किसी भी माँ को किसी और माँ से तुलना नहीं किया जा सकता। हर माँ अपने संतान के लिए अपने प्यार में कोई कमी नहीं रखती, फिर चाहे वो माँ एक गरीब हो या एक अमीर हो, या फिर हम आप सभी के बीच रहने वाली एक आम महिला, या फिर कोई जाना पहचाना चेहरा हो। दोस्तों, आज इस रिपोर्ट में, आज स्पेशल प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही माँ के बारे में जो पूरे देश भर की सबसे खूबसूरत अदाकारा के रूप में चर्चा में रही। लेकिन उसके जाने के बाद, उनके जाने के बाद, उनका माँ का रूप किस तरह मदर्स डे स्पेशल पर चर्चा का विषय बना, आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी के बारे में, जिन्होंने एक माँ को ऐसा रूप दिया था जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए मिसाल बन गया। शायद ही आप ये जानते हो, लेकिन अपनी दोनों ही बेटियों को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाने वाली श्रीदेवी ने इतना प्यार दिया था कि उस प्यार का रूप अब दो दो श्रीदेवी के तौर पर हम सभी के बीच मौजूद है। जाह्नवी और खुशी को क्यों बार बार श्रीदेवी कहा जाता है, श्रीदेवी की परछाई कही जाती है। जाह्नवी और खुशी आखिर क्यों, क्या इतना प्यार श्रीदेवी का जाह्नवी खुशी के लिए था? आखिर क्यों मदर्स डे स्पेशल मौके पर श्रीदेवी की याद में उनकी बेटियां तड़पेंगी? क्यों अपनी माँ को याद कर उनकी बेटियां हद से ज्यादा तड़पेंगी, अपनी माँ की आवाज सुनने के लिए तड़पेंगी? हम आपको बताएंगे अपने स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चाहे एक तरफ पूरी दुनिया मदर्स डे के मौके को खास बनाने के लिए अपनी अपनी माँ को कीमती तोहफा और सरप्राइज देने की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ही तरफ एक ऐसी दुनिया भी है जो मदर्स डे पर माँ की अहमियत को सोशल मीडिया पर कुछ इस अल्फाज के जरिए, सिर्फ कुछ ही अल्फाज के जरिए, कुछ शब्दों के मेल के जरिए समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन उस माँ का क्या जो सोशल मीडिया और कीमती तोहफा सरप्राइज का मतलब तक नहीं जानती। अगर जानती है तो बस इतना कि उसके संतान उसे मदर्स डे पर दुनिया वालों को देखकर ही सही, लेकिन कुछ घंटे, कुछ समय के लिए सम्मान और प्यार तो देगी। ना जाने ऐसी कितनी माँ है जो अपनी संतान पर ममता लुटाना ही नहीं, अपनी जिंदगी की खुशकिस्मती मानती है उन्हें प्यार देना, संतान का सुख पाना अपनी जिंदगी की खुशनसीबी मानती है, जो उनकी जिंदगी में खुशियों की झोली भरने के लिए अपनी जिंदगी की हर खुशी को भूल जाती है, हंसते हंसते अपने गम को पी लेती है। आज हम आपको एक ऐसी ही माँ की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे में भी अपने संतान के लिए खुशियां बटोरनी चाहिए थी, मगर आखिरी वक्त में दर्द समेट कर अपने साथ चली गई।
ज्यादा दूर नहीं, अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, जब साल की शुरुआत हुई और दूसरे महीने में ही फिल्म जगत को एक बड़ा सदमा लगा। हिंदी फिल्म जगत की सबसे हसीन अदाकारा, जिन्हें सबसे जिम्मेदार माँ के नाम से भी जाना जाता रहा, बात कर रहे हैं हम वेटेरियन एक्ट्रेस की, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 54 साल की वेटेरियन एक्ट्रेस जिन्होंने कामयाब करियर को बीच पर सिर्फ इसलिए छोड़कर हमेशा के लिए पर्दे के पीछे आ गई थी ताकि अपने संतान की खुशी की वो परवाह में कोई कमी ना रखे। जी हाँ, 24 फरवरी की रात दुबई में इस दुनिया को अलविदा कह गई अभिनेत्री श्रीदेवी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने दुबई में ही एक शादी अटेंड करने के बाद परिवार के बिना ही ठहरने का फैसला लिया था। वजह थी सिर्फ उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर, जिनके लिए खास तोहफा लेने के लिए वो वहां ठहरी थी, और शॉपिंग के बहाने से वहां उनके लिए 2 दिन तक अकेला रहना उनकी जिंदगी का 2 दिन का अकेला तनहा आखिरी सफर बन गया। और इस फैसले ने उनकी बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर रहने की बदकिस्मती दी। बता दे आपको, श्रीदेवी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने जानवी के कोख में आते ही अपनी फिल्मी सफर का हमेशा के लिए अंत कर दिया था। पर्दे से दूर सिर्फ एक माँ होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी, अपना नाम सब पीछे छोड़ दिया। फिर लंबे समय बाद पर्दे पर माँ के किरदार के साथ वापसी करने पर श्रीदेवी ने एक बड़ी दर्द भरी बातें कही थी, जो उनकी बेटियों के लिए उनके प्यार को अलग ही रूप देती है। शब्दों में श्रीदेवी ने जान डाल दिया था अपने दर्द को बयां कर। श्रीदेवी ने कहा था, जब भी वो अपनी बेटियों को कोई कहानी सुनाती थी वो सो ही नहीं पाती थी, उनकी बच्चियां जागी रहती थी, लेकिन जब वो कोई लोरी गाती थी उनकी बच्चियां तुरंत सो जाती थी। उनकी बेटियां उनकी आवाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यही वजह थी कि उनकी बेटियां उनकी माँ की आवाज यानी कि श्रीदेवी की आवाज को ज्यादा ना सुनना पड़े इसलिए सो जाया करती थी। किस्मत का खेल देखिए, उस माँ की आवाज सुनने के लिए तड़पती हैं वो बेटियां जिन्होंने अपनी माँ की आवाज को बेसुरा बताया। तो क्या आप भी कहीं वही भूल तो नहीं कर रहे? कहीं आपके लिए भी आपकी माँ की ममता आपको खटकती तो नहीं? उनका हर वक्त फिक्रमंद होना कहीं आपको बोझ तो नहीं लगता? उम्मीद है हमें आप अपनी माँ की ममता की कद्र ये जानने के बाद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम मदर्स डे, जिसमें हमने आपको बताया किस तरह से श्रीदेवी अपनी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक माँ की जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी बेटियों के लिए अपने हर सुख दुख को भूलकर, अपने हर दर्द अपने हर तकलीफ को भूलकर सिर्फ बेटियों की खुशी की परवाह करती रही, जिन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि उनकी बेटियां उनकी आवाज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटियों के लिए प्यार में कोई कमी नहीं रखी। आज उनकी बेटियां अपनी माँ की उसी आवाज़ को सुनने के लिए तड़प तो रही होंगी, लेकिन उस दर्द की कोई सीमा नहीं। उस पीड़ा का शब्दों के जरिए बयां करना आसान तो क्या, नामुमकिन तो क्या, असंभव है। हर उस बेटी को, हर उस संतान को पता है एक माँ का दर्जा इस दुनिया में हर एक परिवार के सदस्य से बिल्कुल अलग है, सबसे ऊपर है। जी हाँ, माँ की परछाई में, माँ के ममता तले जिंदगी गुजारना खुशकिस्मती है हर उस संतान के लिए। तो हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बताया, कुछ ऐसे सवाल बताए हमने आपको जिसका जवाब शायद आप ज़रूर देना चाहेंगे। मदर्स डे स्पेशल पर हम आपको ये बताना चाहेंगे, अपनी रिपोर्ट के जरिए हमने वो कड़वी सच्चाई आपको बताई है जिससे हर वो शख्स गुजरता है जो अपनी माँ के बिना रहने के दर्द से गुजरता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ चला है इस प्रोग्राम का यहीं अंत करने का। आज के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे इसी तरह मदर्स डे स्पेशल पर ऐसे ही कुछ खास कार्यक्रम को लेकर,
जिसके लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। और तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।